नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल सरकारी लोक पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पीसीसी के बारे में, यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में, कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या पीसीसी आप किस तरीके से बनवा सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, राइट साइड में घंटे के निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च कर दीजिएगा पासपोर्ट सेवा। उसके बाद जैसे सबसे ऊपर आपको रिजल्ट दिख जाएगा पासपोर्ट सेवा का, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से ऑफिशियल पेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा passportindia.gov.in का। तो यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं। अब अगर आपने पहले से ही लॉगिन आईडी या यूजर आईडी या रजिस्ट्रेशन इस पेज पे कर रखा है, तो सिंपली एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करें। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब जो आपका प्रेजेंट या करंट या जो वर्तमान पता है आपका, उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट ऑफिस आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है जी, इस तरीके से पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे सरनेम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दीजिएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। और अगर आप अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं, तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपकी ईमेल आईडी ही यहाँ पे लॉगिन आईडी बन के आ जाएगी। और अगर आप कोई डिफरेंट लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे नो पे क्लिक रहने दीजिएगा और वो यहाँ पे आईडी डाल के चेक अवेलेबिलिटी पर अवेलेबिलिटी क्लिक चेक कर लीजिएगा। उसके बाद पासवर्ड आप किस तरीके से बना सकते हैं वो हम आपको बता देते हैं। तरीके से पासवर्ड आप बना सकते हैं, जो भी पासवर्ड आप बना रहे हो उसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल करेक्टर, न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरीके से आप बना सकते हैं पासवर्ड। पासवर्ड बना के यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, और जो पासवर्ड आपने यहाँ पे डाला है सेम वही पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे हिंट पासवर्ड डाल दीजिएगा। हिंट क्वेश्चन की आपको तब जरूरत होगी अगर आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है, लॉक हो जाता है, तो उस टाइम आपको हिंट आंसर डाल के प्रोसीड करके एक्टिवेट करना होगा। तो हिंट आंसर यहाँ पे आप डाल लीजिएगा। उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है यहाँ पे डाले, कैप्चा वर्ड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पे क्लिक करके चेंज इसको कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेल हमने डाल ली है। उसके बाद ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल दिया, रजिस्टर पर आप क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल टू एक्टिवेट योर अकाउंट, प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। अब आपको क्या करना है, जो ईमेल आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डाल ली थी, उस पर एक लिंक चला गया passport.admin की तरफ से। इस तरीके से एक मेल आया होगा। अगर आपके पास ईमेल नहीं आया है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, कभी कभी टाइम लग जाता है इस मेल को आने में। तो हमारे पास आ गया है ये मेल, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। इस पेज पे नीचे की तरफ हम आ जाते हैं। नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे एक लिंक आपको दिखेगा, तो इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। अब यूजर आईडी यहाँ पे आप डाल दीजिए, यूजर आईडी वही आपको डालनी है जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने लॉगिन आईडी बनाई थी। आपको दिखा देता हूँ कौन सी आईडी यहाँ पे आपको डालनी है। जो आईडी आपने यहाँ पे डाली थी ना, वही आपको वहाँ पे डालनी है। अब तो जैसे यहाँ पे तो हमारी ईमेल आईडी ही हमने लॉगिन आईडी बनाई थी, तो इसको वहाँ पे डाल लेंगे। और अब अगर आपने कोई सी दूसरी आईडी बनाई थी, तो इसको वहाँ पे आप डाल लीजिएगा और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। आईडी डाल के जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे लॉग इन करने के लिए यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, या होम जो है होम पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल दीजिए जो भी आपने एक्टिवेट की थी, और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिएगा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने बनाया था, और ये जो कैप्चा वर्ड है यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होके आएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आ रहा है अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो या यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एक ही बात है, यहीं पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक करें। अब यहाँ पे
पासपोर्ट नंबर अपना डाल दीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ इशू डाल दीजिए पासपोर्ट पासपोर्ट की, और यहाँ पे डेट ऑफ एक्सपायर डाल दीजिए पासपोर्ट की, और प्लेस ऑफ इशू कहाँ से पासपोर्ट आपका इशू हुआ है वो प्लेस यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रीजन स्लैश कंट्री फॉर विच पीसीसी इज रिक्वायर्ड, तो किस कंट्री के लिए पीसीसी आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर लीजिएगा इस पे क्लिक करके। और ये डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आ रहा है पर्पस फॉर विच पीसीसी इज रिक्वायर्ड, तो इस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको काफी पर्पस दिख जाएंगे, काफी वो दिख जाएंगे जिसके लिए आपको चाहिए। सिटीजन स्लैश नेशनलिटी एप्लीकेशन, एजुकेशन स्लैश रिसर्च, एम्प्लॉयमेंट वीजा स्लैश वर्क परमिट, इमिग्रेशन पर्पसेज अदर देन सिटीजनशिप, तो जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पे इमिग्रेशन पर्पसेज पे क्लिक कर लेते हैं, और अगर आपका इनके अलावा कोई अदर रीजन है तो यहाँ पे वो पर्पस डाल दीजिए अदर्स पे क्लिक करके, ठीक है। तो हम इमिग्रेशन पर्पस अदर देन सिटीजनशिप तो इस पे क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे नाम अपना डाल दीजिए, यहाँ पे सरनेम डाल दीजिए, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी हो वो सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे बर्थ प्लेस अपना डाल दीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिटीजनशिप ये बर्थ हो ही गया है, अगर आपके इसके अलावा है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डाल सकते हो, अगर पैन में डिटेल सब कुछ ठीक है सेम है तो वो आप डाल सकते हो, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो अगर आप छोड़ना चाहते हो तो, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है, पैन नंबर वोटर नंबर आप डाल सकते हो, पैन नंबर यहाँ पे वोटर नंबर यहाँ पे, और अगर आप इनको ब्लैंक छोड़ना चाहते हो खाली छोड़ना चाहते हो वो भी आप छोड़ सकते हो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मेरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन अपनी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल दीजिए अगर आप डालना चाहते हो तो, और उसके बाद ये जो बॉक्सेस पे क्लिक करके सेम आई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा, और अगर आप आधार नंबर नहीं डालना चाहते तो ब्लैंक इसको छोड़ दीजिएगा और सेम आई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद डिटेल सेव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फैमिली डिटेल डाल दीजिएगा, फादर नेम यहाँ पे डाल दीजिए, उनका सरनेम यहाँ पे आप डाल सकते हैं, मदर नेम यहाँ पे डाल दीजिए, उनका सरनेम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद जैसे मैरिड हो अगर तो स्पॉस नेम डाल दीजिएगा, स्पॉस सरनेम यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसकी डिटेल यहाँ पे डाल लीजिएगा, विलेज टाउन सिटी यहाँ पे डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, यहाँ पे पुलिस स्टेशन डाल दीजिएगा एड्रेस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फैमिली मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो, ईमेल मैंडेटरी ईमेल यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो नो पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ यस पे क्लिक करना, अगर आपके पास परमानेंट एड्रेस भी है ना तो यस पे क्लिक करके, और नीचे की तरफ नो का आएगा उस पर क्लिक करके उसके डिटेल आप डाल सकते हैं। और अगर आपका प्रेजेंट ही एड्रेस है, परमानेंट नहीं कुछ भी नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा, और ठीक है। उसके बाद अब काफी लोगों का ये भी डाउट रहता है कि ये जो पीसीसी हमको मिलती है कौन से एड्रेस पे मिलती है, तो जो आप प्रेजेंट एड्रेस डालोगे ना उसी के अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन आपकी होगी और उसी से आपकी पीसीसी मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाता है, तो नो नो पे हम क्लिक कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई भी क्रिमिनल केस ऐसा कोई वो नहीं है पेंडिंग में तो सिंपली नो नो पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कन्विक्टेड बाई कोर्ट इन इंडिया तो नो पे क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरीके से आएगा, तो ये जो आई एग्री का इस बॉक्स पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लेस डाल दीजिएगा और यहाँ पे दिख जाएगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। तो अब प्रीव देखने के लिए तो प्रीव पीसीसी फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा और सभी डिटेल देख लीजिएगा, और सब कुछ अगर सही है तो सिंपली यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा और इस पेज पे नीचे की तरफ आ जाइएगा। हाँ एक बात और, अगर कुछ आप करेक्शन करना चाहते हो, कुछ डिटेल आपने गलत डाल दिया है, तो सिंपली प्रीव पे क्लिक करके उन डिटेलों में करेक्शन करके इस पेज पे आप आ सकते हैं, और सब कुछ अगर सही है तो ये जो बॉक्सेस पे क्लिक करके इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइएगा, और सबमिट फॉर्म का ऑप्शन आपको दिखेगा तो सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखा देगा योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो पेमेंट और अपॉइंटमेंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो ये जो सर्कल है इस पे क्लिक कर लीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करें।
से आ जाएगा, तो पासपोर्ट ऑफिस जो है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और ये कैप्चर ऑर्डर यहाँ पे डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको डेट दिख जाएगा कब का अपॉइंटमेंट आपको मिल रहा है, और अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो ये जो कैलेंडर है इस पे क्लिक करके जो ग्रीन डेट है उनमें से किसी भी डेट का अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। तो हम जैसे इसी डेट का अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं तो, और यहाँ पे आपको पेमेंट भी दिख जाएगा कितना पेमेंट आपका लग रहा है, आपके केस में पेमेंट एक कम या ज़्यादा हो सकती है। तो पेमेंट और अपॉइंटमेंट करने के लिए पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद इस तरीके से आ जाता है, तो ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब अगर आप स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे हम स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद इस तरीके से आ जाता है, तो कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, उसके बाद दोबारा कन्फर्म के लिए आ जाता है तो क्लिक इस पे कर देते हैं। अब यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दीजिए, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा वो यहाँ पे डालें, किन के नाम पे कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डालें, सीवीवी कोड की 3 डिजिट यहाँ पे डालें, कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी, ये कैप्चा कार्ड यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक करें। उसके बाद जो कार्ड से मोबाइल लिंक है उस पर एक ओटीपी चला गया है, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करें, उसके बाद इस तरीके से आ जाएंगे, यहाँ पे रेफरेंस नंबर आपका दिख जाएगा, नाम दिख जाएगा, डेट ऑफ बर्थ दिख जाएगी, यहाँ पे सर्विस टाइप दिख जाएगा, अपॉइंटमेंट कोटा दिख जाएगा, लोकेशन दिख जाएगा, अपॉइंटमेंट डेट दिख जाएगी, अपॉइंटमेंट टाइप दिख जाएगा, अपॉइंटमेंट आईडी दिख जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली, योर अपॉइंटमेंट नंबर ईजीए और एक जो अपॉइंटमेंट डिटेल का SMS इस मोबाइल पर आपके पे चला गया है, तो ये अपॉइंटमेंट आपका सक्सेसफुली बुक हो चुका है। अगर सक्सेसफुल बुक नहीं हुआ है, पेमेंट पेंडिंग में चली गई है या फिर पेमेंट हो गई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, आप देख सकते हो, या इस वीडियो के लास्ट में उसका मैं आपको आपको बता दूंगा चैनल पे हमारे पे किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट रिसिप्ट का अगर आप प्रिंट निकालना चाहते तो प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, इस पेज पे नीचे की तरफ आप आ जाइएगा। और अगर आपके पास अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड SMS आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो गेट अपॉइंटमेंट SMS पे क्लिक करके इससे रिलेटेड आप मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो इस तरीके से दिखेगा, तो ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आपकी दिख जाएगी और यहाँ पे टोटल फीस दिख जाएगा, कितना आपका पेमेंट लगा है, यहाँ पे कौन से उसका पासपोर्ट ऑफिस का आपका हुआ है, कि क्या एड्रेस है उस पासपोर्ट ऑफिस का वो दिख जाएगा, अपॉइंटमेंट आईडी, अपॉइंटमेंट डेट एंड टाइम और भी काफ़ी डिटेल आपको दिख जाएगी यहाँ से। इसको आप सेव करना चाहते तो सेव कर सकते हैं, प्रिंट इसका निकालना चाहते तो प्रिंट आप निकाल सकते हो इस अपॉइंटमेंट रिसिप्ट का। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है PCC अप्लाई करने का। अब जिस डेट का भी आपका अपॉइंटमेंट है उस डेट में आप एप्लीकेशन फॉर्म को निकालने का ऑलरेडी हमने तरीका बता रखा है, इस चैनल पे आके यहाँ पे सर्च कीजिएगा पासपोर्ट एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे ही पासपोर्ट एप्लीकेशन आप सर्च करोगे तो सबसे ऊपर एक वीडियो आपको दिख जाएगी, तो इससे देख के इजीली आप एप्लीकेशन फॉर्म निकाल सकते हो। सेकंड, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट भी वैसे तो मैंने आपको बता दिया लेकिन फिर भी बता देते हैं किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप डाल दीजिएगा पासपोर्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है, सिंपली यहाँ पे डाल दीजिए, तो पासपोर्ट अपॉइंटमेंट रिलेटेड काफ़ी वीडियो हमने अपलोड कर रखी, इनको आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हो तो, और अगर आपका पेमेंट कट गया है, अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है, तो उससे रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, ठीक है। दो डॉक्यूमेंट हो गए, एप्लीकेशन फॉर्म, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट, थर्ड आपका पासपोर्ट जो ओरिजिनल पासपोर्ट है वो, और उसकी फोटोकॉपी, फर्स्ट 2 पेज की फोटोकॉपी और लास्ट जो 2 पेज हैं उनकी फोटोकॉपी, और वो सेल्फ अटेस्ट आपके होने चाहिए, उन पे साइन कर लीजिएगा जो फोटोकॉपी आप लेके जाओगे। चौथा डॉक्यूमेंट है जो एड्रेस प्रूफ, जो एड्रेस आपका जो करंट प्रेजेंट एड्रेस है, जो वर्तमान पता है आपका, उसके अकॉर्डिंग एड्रेस प्रूफ लेके जाइएगा। फिफ्थ,
एजुकेशन जो है आपकी, तो वो सर्टिफिकेट, अगर आपके एजुकेशन 10th है तो 10th का सर्टिफिकेट लेके जाइए, ग्रेजुएशन है तो 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का आप लेके जा सकते हैं। और अगर ग्रेजुएशन नहीं हुई आपकी 12th एजुकेशन, तो 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। और अगर आप एड्रेस प्रूफ में आधार लेके जा रहे हो, तो ओरिजिनल आधार के साथ साथ ई आधार भी लेके जाइएगा, और वो मोबाइल भी लेके जाइएगा जिसपे अपॉइंटमेंट डिटेल्स से रिलेटेड मैसेज आपके पास आया है, और उसमें जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको भी इंस्टॉल करके लेके जाइएगा। नहीं, 2 या 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाइएगा, तो ये आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। फिर भी अगर आप और भी एडवाइजर में देखना चाहते हो डॉक्यूमेंट की लिस्ट, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट एडवाइजर भी दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर पीसीसी, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है इज एप्लीकेंट प्रेजेंट हैव चेंज इन पासपोर्ट एंड एड्रेस, तो नो पे हम क्लिक कर देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ओल्ड पासपोर्ट इन ओरिजिनल विद सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी ऑफ इट्स फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2, इस ये तो हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया इसी वीडियो में। तो ये सभी डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, और जो भी आपने डिटेल डाली उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट के डॉक्यूमेंट आप लेके जाइएगा, और जिस डेट का भी अपॉइंटमेंट उस डेट में आप जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दीजिएगा। और जैसे ही सब कुछ आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो उसके उसके कुछ टाइम बाद ही आपका जो पुलिस स्टेशन है, तो उसपे आपकी वेरिफिकेशन के लिए और रिक्वेस्ट आएगी, तो वहां से कोई बंदा आपके पुलिस वेरिफिकेशन करेगा, या आप वहां पे भी आपको बुला सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप पासपोर्ट ऑफिस लेके गए थे, तो वो एक फोटोकॉपी का सेट तैयार रखिएगा, और ओरिजिनल भी लेके जाइएगा जिस डेट में भी आपको बुलाया जाए पुलिस स्टेशन। और जैसे ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो कुछ दिन में ही आपको जो वो है पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही पुलिस स्टेशन से आपकी वेरिफिकेशन क्लियर हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, सब कुछ अगर क्लियर हो जाता है, तो पीसीसी आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पासपोर्ट रिलेटेड कुछ भी आप जानना चाहते हो, तो यहाँ पे भी हमने काफी वीडियो अपलोड कर रखी है। यहाँ पे आप सर्च करोगे पासपोर्ट, तो पासपोर्ट रिलेटेड काफी वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या यूट्यूब पे भी आप सर्च कर दोगे ना पासपोर्ट स्पेस सरकारी लोग, तो वीडियो हमारी काफी आपको मिल जाएगी वहां पे भी। तो चाहे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे पासपोर्ट डाला है, तो पासपोर्ट रिलेटेड, पासपोर्ट नाम चेंज, तत्काल पासपोर्ट, सिग्नेचर चेंज, अनेक्सरडी किस तरीके से भर सकते हैं, अप्लाई पासपोर्ट किस तरीके से कर सकते हैं, रिन्यूअल या रीइशू जो पासपोर्ट है अप्लाई कर सकते हैं, ECNR, ये और भी काफ़ी वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये अलग जो पासपोर्ट एप्लीकेशन स्टेटस का क्या मतलब होता है, उससे रिलेटेड भी काफ़ी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है। पासवर्ड अगर आप भूल गए या एक्सपायर हो गया, तो उसको किस तरीके से रीसेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड भी काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर पासपोर्ट आपका लॉस हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो उसके लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, सब वीडियो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सोशल साइट पे जुड़ना चाहते हो हमारे साथ ऐसी जानकारी पाने के लिए, अबाउट पे क्लिक कीजिएगा, इस पेज पे नीचे की तरफ आइएगा, सोशल साइट के लिंक आपको यहाँ पे दिखी जाएंगे, यहाँ पे भी दिख जाएंगे, राइट टॉप में भी यहाँ पे भी लिंक आपको दिख जाएंगे। प्लेलिस्ट की बात करें, तो काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर रखी है, और इनमें जितनी वीडियो अपलोड कर रखी है वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो सब्सक्राइब इसको कर दीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब आप इसको करते हो, तो राइट साइड में घंटे के निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।